नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और बात करने वाला हूँ सुधीर बाबू की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम है हरोम हरा। तो इसकी अब ऑफिशियली रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, 22 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी। एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है। टीजर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टीजर काफी ज्यादा इंटेंस है। चित्तूर के एक जिले की कहानी यहाँ पे दिखाई गई है, जो 1989 का बैकड्रॉप हमें सामने एक्सप्लेन करता है। एक साधारण सा आदमी किस तरीके से ट्रांजिशन में आता है, एक गैंगस्टर के रोल में बनता है, वो ये कहानी बयां करती है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज जस्ट अ थ्योरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्क्रिप्ट होगी। सुधीर बाबू ने, जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा इस फिल्म के बारे में, तो ये पढ़ा कि सुधीर बाबू ने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा अपने आप को पूरा चेंज किया है। और जो फिल्म है, जो टीजर से पता चल रहा है, उसमें मुझे सबसे बड़ा हाईलाइट जो नजर आया वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। यार बहुत जबरदस्त, बहुत डेडली बैकग्राउंड स्कोर है यार। तो जो यहाँ पे भाई दिखाया गया है यार, वो मुझे काफी रॉ और काफी अच्छा लग रहा है। कि वो गन वाला एक यहाँ पे सीन है, गन वाला डायलॉग है कि ये जो गोली है सबके पास सबके हाथ से होकर आती है, लेकिन जब मेरे हाथ में होकर आई तो मेरी जिंदगी में एक चीज हुई। तो ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग है हमारे सुधीर बाबू का। यार उनका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन मैं लिटरली कह रहा हूँ उन्होंने खुद को लिटरली बहुत चेंज किया होगा इस फिल्म के लिए। लेट सी क्या होता है। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। आपको जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।